मेरा ये कहना है कि सरकार हमारे सरकार ने बहुत गुड गवर्नेंस थी, अच्छे काम किए, पूरे देश में इसके माहौल बन गया था, सरकार बनी निश्चिंत रास्ता। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने, उनके गृहमंत्री ने, पांच मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने झूठ को आधार बना के प्रचार किया, भ्रमित किया लोगों को, 550,000 हिंदू मुसलमान, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता था। जिस समय उनको शाम को पकड़ लिया हो, दो कल्पिट को एनआईए को केस दे दिया बिना मतलब से, इनके पास जवाब है कि एनआईए को केस क्यों दिया शाम को, उनका क्या हुआ बाद में, परिवार पूछ रहा है। हमने तो जो सिविलियन थे उनको नौकरी दे दी, उन बच्चों को नौकरी दे दी, पर फिर भी उस झूठ को ऐसा फैलाया गया सोशल मीडिया में, पूरे देश में फैल गया कि हिंदू को तो 5 लाख और उनको देते 50 लाख, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, उनको 5 लाख दे दिए। खैर ये सब बातें आप देख रहे हो तो सरकार हमारी बन नहीं पाई है, और हमने कहा हम भी ह्यूमिलिटी स्वीकार करते हैं, जो मैंडेट मिला उसको। पर दुख की बात करें, आज ढाई 3 महीने हो गए सरकार में, हर घर में चर्चा होने लगी कि गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है, गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है। और मैं समझता हूँ इसका दोष सिर्फ मुख्यमंत्री में नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल चलाने का फैसला किया हुआ है, जो डेमोक्रेसी की भावना के खिलाफ है। इलेक्टेड जो मुख्यमंत्री होता है पूरी अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी से सरकार चलती, गवर्नेंस होती है, अच्छी गवर्नेंस होती है। इन्होंने जो कर रखा है वो रिमोट कंट्रोल कर रखा है, डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुधांशु पंत जो आपका चीफ सेक्रेटरी, और मैंने सुना कि मुख्यमंत्री ज्यादा बहुत डिप्टी सीएम के बारे में ज्यादा उम्मीद चलती है, तो इस प्रकार से कैसे काम करेगा। हमारे लिए मुद्दा है और मुद्दा बनाएंगे कि मुख्यमंत्री की अथॉरिटी जो काम होनी चाहिए किसी पार्टी मुख्यमंत्री, उसकी अथॉरिटी कम होगी तो सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा जनता को, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम वो बात उठाएं, वो मुद्दा बनाएं जिससे कि पब्लिक का लाभ, पब्लिक हो उसको बेनिफिट मिले, या पब्लिक का न्याय हो, गुड गवर्नेंस हो। बिना अथॉरिटी के गवर्नेंस कर नहीं सकता मुख्यमंत्री, तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत तो ये। और जो जिस प्रकार से आनंद फानंद में जो ये फैसले कर रहे हैं, 45,000 युवा मित्रों को हटा दिया, राजीव गांधी का मित्रों को, फिर नाम से आपको तकलीफ थी, आप नाम बदल देते, एक ही डेथ हो गई, अब लोग परेशान हो रहे हैं, इनको वापस लेना चाहिए लोगों को, अच्छा काम कर रहे थे वो, सरकारी योजनाएं पहुंचा रहे थे गाँव में, एक बच्चा मर गया अभी ब्लड ग्रुप, कोई उनकी परवाही नहीं हो रही। मुझे आश्चर्य होता है, समय हिंसा की पराकाष्ठा है कि गलत ब्लड ग्रुप चला दिया, कोई चर्चा नहीं, मीडिया वाले भी थोड़ा बहुत सफल कर रहे हैं, वो गरीब परिवार है मैंने सुना है, और लापरवाही से तो लापरवाही मान के वहाँ पे किसी सस्पेंड भी किया है, एक भी किया है, तो बहुत मामूली बात है। आपने एक जिंदगी चली गई कि जिंदगी की कीमत एक सस्पेंशन और एपीओ बनने से भरपाई हो सकती है क्या? कम से कम 25 लाख 50 लाख देते हो उसको परिवार को, कोई सुलबुल दे नहीं रहे, कोई जा नहीं रहे उनके पास। तो ये एक नमूना इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने सुना है जो टेम्पररी लोग लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए थे, उन सबको हटा दिया गया। हमने कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों के लिए नियम बनाए थे, लागू होकर धीरे धीरे परमानेंट हो जाते, तो जो स्टाफ की कमी हो रही है
मेन पावर की, उसके कारण से कहते हैं कि वो उसकी घटना का कारण हो सकता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ईआरसीपी और यमुना का जो ये प्रचार कर रहे, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। ये पूरे जनता को धोखा दे रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में बैठ करके समझौता किया गया, वो राजस्थान के हित में नहीं है। यमुना का जो बात कर रहे हैं लोग और उसके आभार व्यक्त कर रहे हैं, ईआरसीपी द्वारा आभार व्यक्त कर यात्रा निकाल रहे हैं, ये धोखा है बहुत बड़ा। कोई पानी नहीं आने वाला है। इनको चाहिए आप व्हाइट पेपर जारी करो। अभी तो बताएंगे नहीं मीडिया को भी, आपका एग्रीमेंट हुआ क्या है? जहाँ तक मेरे को बताया गया है, आप ज्यादा जानते होंगे। तो एग्रीमेंट डेमोक्रेसी में आप एग्रीमेंट क्या हुआ है उसकी जानकारी आप लोगों ने दी गई आप लोगों को? ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इनको छिपा के रखने की जरूरत क्या है? अगर मीडिया को देंगे आप डॉक्यूमेंट, वो उसका पोस्टमार्टम करेगा, वो अपनी राय बनाएगा मीडिया कि भाई इसमें सच्चाई है, फायदा है, नफा नुकसान क्या है। ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक क्या कहते हैं हम लोग जो पॉलिटिशियन है, और ना मीडिया, तो कौन उसको कौन देख रहा है? कोई नहीं देख पा रहा है। और उसके पहले ही आप निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ शुरुआत गवर्नमेंट की हुई है इस रूप में, उससे बहुत भयंकर रिएक्शन। एक तरफ राजीव गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है न्याय के लिए। आज बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, महंगाई की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरी गारंटी है पड़ोसी राज्यों के अंदर, गुजरात में, हिमाचल, हरियाणा के अंदर, पंजाब में पेट्रोल के दाम कम है या ज्यादा है, सरकार बनते ही हम लोग उनको लागू करेंगे। आज चर्चा नहीं हो रही उसकी। वही दाम बढ़े हुए हैं, 3 महीने हो गए हैं, आते ही कर दूंगा मैं समीक्षा करेंगे या क्या सब काम लिया था उन्होंने, उदाहरण दिया पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है। तो लोगों में रिएक्शन बहुत भयंकर है। महंगाई मुद्दा राहुल गांधी का, बेरोजगारी मुद्दा, गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। हमने सोशल सिक्योरिटी का नारा दिया था, 5 कानून पास करो केंद्र के अंदर, हर परिवार को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए देश के अंदर। आप बात करते धर्म के अभिष्ट गुरु बनने की, घर तो संभाल लो कम से कम, जो भूखे मर रहे हैं, कुपोषित है, हालात बड़े गंभीर है, जाओ गलियों में कच्ची मरती मालूम पड़ेगा स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री गारंटी, वो गारंटी सब भी चुराया हमसे उन्होंने, गारंटी सब चुराया हमसे। और क्योंकि मीडिया उनका साथ दे रहा, गोदी मीडिया इतने उजाला फैल गया पूरे देश का स्थिति। और ये स्थिति मैं समझता हूँ कि उचित नहीं कही जा सकती है। और इसलिए मैंने कहा मैं आपसे जब आप आएंगे तो मैं कुछ बातें आपसे करूँ। और बातें यही है कि इनको वापिस लो 5,000 नौजवानों को, नंबर एक। नंबर दो, राहुल गांधी की यात्रा के जो थीम हैं, तो न्याय मिले लोगों को, न्याय सुनिश्चित हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में रिजर्व लाई सुप्रीम कोर्ट की, इनके इतने बेशरम लोग हैं, उसके बाद में कोई रिएक्शन ही नहीं आया। और प्रधानमंत्री जी ने सुदामा कृष्ण भगवान का उदाहरण दिया, क्या मजाक है देश का हो रही है, क्या मजाक हो रही है। सुदामा कृष्ण के उदाहरण का क्या, तो क्यों जो घोटाले कर रहे थे आप, ये घोटाले बाहर लोग हैं, इन्होंने लूट लिया, कितने लोगों को इन्होंने फायदा पहुंचा होगा उनके एवज में बॉन्ड लिए होंगे, 90% बॉन्ड इनके पास आ गए, वो तो फिगर है आपके पास। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब लागू करेंगे, क्या करेंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। हालात ये इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरफा, जब लागू किया जा रहा था तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया, इसका CNAG ने विरोध किया, तब भी लागू कर दिया। वो बड़ा पॉइंट है। चंडीगढ़ का उदाहरण ये झलक है,
ये झलक है ये तो खा लेगी। चुनाव जीत गए मोदी जी इस बार बहुमत से, तो आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे देश के अंदर? होंगे तो चंडीगढ़ की तरह होंगे, रशिया और चाइना की तरह होंगे। इतना खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर, चिंताजनक स्थिति है। कोई विरोध में लिखते हैं तो देशद्रोही है, चाहे मीडिया वाला हो चाहे वो लेखक हो पत्रकार हो। कितने लोग जेल में बैठ बंद रहे, साधन डेढ़ साल जेल में रहे। डेमोक्रेसी है देश के अंदर, धर्म के नाम पे आप लोगों को क्या हो गया? बैठे हुए राम भक्त नहीं है, कौन राम भक्त है देश के अंदर? जिस रूप में उन्होंने माहौल बनाए वो बहुत खतरनाक माहौल है। दूसरे चुनाव आ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समय पर जो है कैंपेन शुरू कर दिया। प्रत्येक जी और हमारे वृंदावन जा रहे हैं, सब जगह करीब दस जगह जाकर आ चुके हैं। बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट है, लोगों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार नहीं बनी है पर कोई भी गांव के अंदर अब जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी भी रिमॉडल नहीं हुआ है, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। वो जानता है कि हमारी हार भी जीत के बराबर ही है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट जाती है तो निश्चित तौर से परसेंटेज कम होती है। पहली बार हुआ है कि हारने के बावजूद 0.5% परसेंटेज बढ़ी, 16 लाख वोट ज़्यादा आए और 2% का फर्क रहा है। 4% का उत्तर छत्तीसगढ़ में और 6% का मध्य प्रदेश का। हमारे 40% के आसपास वोट का होना एक सूचक है कि जिस प्रकार गवर्नमेंट की हुई है, हमारी योजना लोगों लागू याद आने लग गई है, हमारी परफॉर्मेंस, हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छी होगी। पूरी यात्रा बहुत कामयाबी चल रही है। राजस्थान में अच्छा मैसेज गया है, भी आए थे वो, अब भी अच्छा मैसेज आएगा, अच्छे लोगों को सारे आपको देखेंगे बांसवाड़ा अंदर जोधपुर में। ये तो कुछ मिसीवियस लोग होते हैं मीडिया के अंदर भी, तो अगर पॉलिटिशियन भी होते हैं तो आपके यहाँ मिसीवियस लोग कमी नहीं है। मिसीवियस लोग होते हैं स्टोरी बनाते रहते हैं और लोग मजे लेते पढ़ पढ़ करके, आधे लोग भ्रमित हो जाते हैं। मुझसे कभी मुख्यमंत्री ने बात भी नहीं की बंगले के बारे में, बल्कि कहा अभी भी आप रहो भरे आराम से, जल्दी नहीं है मुझे। वो तो उल्टी बात बोल रहे हैं, चलवा रहे भाई आराम से खाली करे। वो उनके नाम से दे दिया बहुत ही उन्होंने विनम्र शब्दों में रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की, 2 बार बंगला खाली नहीं हो रहा। आप बताइए मीडिया कहाँ जा रहा, बताइए आप कैसे कैसे लोग मीडिया में घुसाए हैं और मालिकों ने अपने मुंह पे पट्टी लगा रखी है, कहते नहीं ऐसे लोगों को कि तुम गलत तुम क्यों देते हो। क्रेडिबिलिटी होती है अखबार की। तो देखिए अभी तो नेतृत्व तो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लोतासा जी का और मिस्टर टीकाराम जूली का है, ये तो प्रतिपक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। हम लोग जो भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, सीनियर कैबिनेट जो भी लोग हैं, हम सब मिलकर सर्व करेंगे उनको, जैसे कि हमारे रिजल्ट अच्छे आए, ये हमारा प्रयास रहेगा सब एकजुट होकर। ये 50 चले गए महाराष्ट्र में तो 6 की बात नहीं है, 50 सीधे सरकारी बदल गई भाई रातों रात। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, जब ये हत्या ही कर तुले हुए डेमोक्रेसी की तो 6 लोग अच्छी जीत गया। मेरा मानना है कि वहां भी गेम बीजेपी का ही है, बीजेपी का गेम है वो। उन्होंने जिस प्रकार के सब जगह उनकी जो अप्रोच है वो अप्रोच उन्होंने यहाँ भी अपनाई है। मैं चाहूँगा कि जिनको जाना है कृपा करके जल्दी चले जाओ, क्योंकि देरी करने से क्या है हम कन्फ्यूज होते हैं, हमारे कन्फ्यूज दूर कर दे
भी मैं जाना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, या मुझ पर दबाव है, ईडी का दबाव है, सीबीआई का है, इनकम टैक्स दबाव है, मजबूरियां भी हैं। तो कोई मजबूरी है तो हम क्या कर सकते हैं उसका। जैसे मैं कई बार कहता हूँ जाने वाला तो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती रोकना उचित नहीं है। और मेरा मानना जितने लोग जा भी रहे हैं तो नई पीढ़ी तैयार हो रही है आने के लिए। राहुल गांधी ने पिछले 15 साल से जो नई पीढ़ी तैयार की है उनको हम कम आते हैं। इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्सी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के, पर कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद भी उसमें जो लोग दमखम के साथ आगे आए उनमें दमखम पूरा है। तो जो लोग जाएंगे उनकी जगह भरने में वो तो कामयाब है और सक्षम लोग हैं, हमें उस रूप में इसको लेना चाहिए। बनाई जी सब कागजों के अंदर है, सब कागजों में कुछ नहीं, इनको को व्हाइट पेपर जारी करे और कम से कम एग्रीमेंट की कॉपी दे, दो बातें सफिशेंट है, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। ये समझ के पड़ेगा आप छिपा के क्यों रख रहे हो एग्रीमेंट को, ये तो हक नहीं आम जनता का भी है, मीडिया का भी है, भाई बताओ एग्रीमेंट क्या किया आपने, एमओयू जो भी है बता रहे, तो मुझे नहीं मालूम, और तो आप उनसे पूछना उनके मायने क्या होते हैं। वो बहुत भले आदमी है, वो बहुत भले आदमी है, देखिए संदर्भ में क्या मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना मानता हूँ बहुत ही शरीफ इंसान है, ऐसा इंसान बहुत रेयर मिलता है। अभी मैंने कहा ना ये तो खत्म हो गया उनका, अब जो गलतियों में मैं समझता हूँ गलती हुई है तो हम सब भागीदार उसके अंदर, मैं अपने आप को भी अलग नहीं कर सकता उससे, गलती हुई है कमी रही है हम सब की भागीदारी होगी। बाकी उन्होंने किस संदर्भ में कहा वो पता नहीं, वो तो जांच का विषय है, जांच करने दीजिए। जबकि कमीशन बुला दे परमानेंटली हाईकोर्ट की अध्यक्षता में ज़्यादा बेहतर वो रहेगा हमारे काम बांध वाले कार्यकाल के लिए। और कमीशन भी बैठाना चाहिए, एक तरफ जांच करे कमियां क्या रही और साथ में करे उपलब्धियां क्या क्या रही, भाई उंगली तो आप ही हटवा सकते हो, उंगली कौन हटवा सकता है, मीडिया वाले हटवा सकते, क्योंकि मैं तो कह दिया वो कि धरना मास्टर है, धरना के मास्टर रहे हैं। मैं आज भी उनसे उम्मीद करता हूँ, वो 5,000 जो युवा मित्र हैं उसमें महिलाएं भी है पुरुष भी है सब लड़के नौजवान भी है, उनको चाहिए इस मुद्दे को हाथ में ले, उनसे उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने धरने धरने दिए हमेशा। और आज वो सत्ता में आ गए सरकार में आ गए, उनकी बोलती बंद क्यों हो गई, उनकी बोलती बंद क्यों हो गई, तो मिसबिहेव किया गया महिलाओं के साथ में उनके घर के बाहर, वो तो मैं उम्मीद कर ही नहीं सकता था। मैंने देखा वो टेंट लगाएंगे उनके लिए, नाश्ते का प्रबंधन करेंगे, सोने के लिए व्यवस्था करेंगे, ये मैं उम्मीद करता था करोड़ी मीणा से, तो वो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि पता नहीं वो मोदी जी ये किसके डर के मारे चुप बैठे हुए हैं, अभी तो वहाँ भय का माहौल है पूरी पार्टी के अंदर।